हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बंगाल लवर रिएक्ट्स। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब फिट फाट हैं, खुशबाश हैं। माय नेम इज उसामा, माय नेम इज अवैस। तो गाइस आज की जो वीडियो हमारी कंपैरिजन वीडियो होने लगी है वो देखने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश इकोनॉमी कंपैरिजन 2021। तो गाइस इसमें जो भी कंपैरिजन होगा बांग्लादेश का, जो भी पाकिस्तान इकोनॉमी का और कंट्रीज का, जो भी कंपैरिजन का जिसमें होगा वो देखेंगे आज और देखेंगे इस कौन सी कंट्री जो है वो पावरफुल है। तो उससे पहले गाइस एक बात और बता दें कि ना रबी अव्वल का महीना चल रहा है, आज 11 और कल को 12 रबी अव्वल है। तो गाइस सॉन्ग की जो वीडियोज है ना उससे अवॉइड कर रहे हैं उस वजह से कि आज जो है ना वो 11 है और कल को 12 रबी अव्वल है। और जो दूसरे सजेशन है ना सॉन्ग के अलावा गाइस वो आज देखने वाले हैं। तो सॉन्ग की जो है ना 12 रबी अव्वल के बाद जो है जो वीडियो रिएक्शन रिव्यू शुरू होंगी देखेंगे। तो गाइस आई होप कि आप समझेंगे बात को। चले गाइस देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो, लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के साथ। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश का एरिया 147,570 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान का एरिया 881,913 स्क्वायर किलोमीटर है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 164 मिलियन पीपल है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 220 मिलियन पीपल है। पाकिस्तान की ज्यादा पॉपुलेशन। बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी 318 बिलियन यूएस डॉलर है और जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 865 बिलियन यूएस डॉलर है। पाकिस्तान की नॉमिनल जीडीपी 276 बिलियन यूएस डॉलर है और जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी 1.08 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है और पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद है। दोनों ब्यूटीफुल सिटीज हैं। बांग्लादेश की करेंसी बांग्लादेशी टका है और पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपी है। बांग्लादेश में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनमें बंगाली, चिटगोनियन, रंगपुरी, सिलहेटी और इसके अलावा 35 अदर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पाकिस्तान में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनमें उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलोची और इसके अलावा 30 अदर लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। बांग्लादेश के रिलीजियंस में इस्लाम 90% है, हिंदुइज्म 9% और अदर रिलीजन 1% है। पाकिस्तान के रिलीजियंस में इस्लाम 96% है, हिंदुइज्म 1.4%, क्रिश्चियनिटी 1.6% और 1% अदर रिलीजियंस के लोग रहते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 इयर्स है और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 67 इयर्स है। बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 73% है, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट 65% है। बांग्लादेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.1% है, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.4% है। हैप्पीनेस इंडेक्स में 153 कंट्रीज में से बांग्लादेश 107 नंबर पर है और पाकिस्तान 66 नंबर पर है। बांग्लादेश ने लास्ट ईयर 55.4 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल इंपोर्ट्स की, 40.5 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट्स की और बांग्लादेश की मेन इंडस्ट्री टेक्सटाइल्स है। लास्ट ईयर 50 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल इंपोर्ट्स की, 23 बिलियन यूएस डॉलर की टोटल एक्सपोर्ट्स की और पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्री भी टेक्सटाइल्स है। लास्ट ईयर बांग्लादेश की आईटी इंडस्ट्री ने 2.5 बिलियन यूएस डॉलर अर्न किए और पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री ने 4.1 बिलियन यूएस डॉलर अर्न किए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 190 कंट्रीज में से बांग्लादेश 168 नंबर पर है और पाकिस्तान 108 नंबर पर है। बांग्लादेश का डिफेंस बजट 4 बिलियन यूएस डॉलर है और पाकिस्तान का डिफेंस बजट 11 बिलियन यूएस डॉलर है। असल में ना ये रैंकिंग में इंडिया पाकिस्तान 6 नंबर पर है और पाकिस्तान 15 नंबर पर है। बांग्लादेश मिलिट्री में 204,596 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं और पाकिस्तान मिलिट्री में 6,53,000 एक्टिव मिलिट्री पर्सनल हैं। पॉपुलेशन ज्यादा है। बांग्लादेश मिलिट्री के पास 276 टोटल टैंक्स हैं
पाकिस्तान मिलिट्री के पास 2200 टोटल टैंक्स है, ज्यादा क्योंकि इनका पाकिस्तान का मसला बनता है इंडिया के साथ, और उनका 177 टोटल एयरप्लेन्स हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 1372 टोटल एयरप्लेन्स हैं। इसी वजह से बांग्लादेश नेवी के पास 112 टोटल नेवल शिप्स हैं, और पाकिस्तान नेवी के पास 100 टोटल नेवल शिप्स हैं। बांग्लादेश के पास उनकी नेवी काफी स्ट्रांग है, मैंने देखा आज की बांग्लादेश और पाकिस्तान की कंट्री कंपैरिजन वीडियो। तो गाइस यार काफी जो था ना वो यार जो है ना इकोनॉमी जो है वो बांग्लादेश की गाइस वो ऊपर है इकोनॉमी, जो बांग्लादेश की जो इम्पोर्ट है वो ज्यादा वो इम्पोर्ट जो है वो कम है बांग्लादेश की, और पाकिस्तान की इम्पोर्ट ज्यादा है, और जो उनकी जो एक्सपोर्ट है वो चार थी वो शायद ज्यादा यार काफी ज्यादा थी पाकिस्तान से, बहुत ज्यादा यार वाकई एक्सपोर्ट पाकिस्तान की गाइस बहुत कम है। इसी वजह से ये मसला अभी तक जो है ना ये प्रॉब्लम है कि मुल्क जो है ना हमारा नीचे आ रहा है, एक्सपोर्ट की बहुत कमी है, इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट जो है वो कम कर रहे हैं। हालांकि देख लो उनका एरिया भी कम पाकिस्तान का एरिया ज्यादा है, लेकिन उधर जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है वो वाकई, लेकिन पाकिस्तान ने इनको बीट किया है चीज में जो आईटी इंडस्ट्री में, आईटी में पाकिस्तान ऊपर था यार इसमें, लेकिन बांग्लादेश बासी जैसे ले गया मुझे लगता है यार। हां इकॉनमी जो है बांग्लादेश की स्ट्रांग है गाइस, जो है ना जिस मुल्क की इकॉनमी स्ट्रांग हो ना वो याद रखिए मुल्क आता है मैंने यार। इधर से जो हमें जो पता चल जाता है कंपैरिजन का कि जो टका है वो बांग्लादेश का वो पाकिस्तान के रुपीज जो है उनसे काफी ज्यादा डिफरेंस है दोनों का, उधर जो एक टका है पाकिस्तान के 2 रुपीज बन जाते हैं इधर आगे भाई, इसी से जो जो करेंसी है इसी से डिफरेंस पता चल जाता है कि कौन सी इकोनॉमी स्ट्रांग है कौन सी वीक है, बिल्कुल कौन सा मुल्क आ गया कौन सा पाकिस्तान की जो है वो शिप्स और जो थे वो ज्यादा थे, जो मिलिट्री जो शिप्स पाकिस्तान के कम थी और दूसरे जो टैंक वो गया क्योंकि पाकिस्तान का गाइस बनता है जो जंग हुई है इंडिया के साथ और इस तरह का मामला बनता है अफगानिस्तान में और चंद और मुल्क काफी है गाइस मसला बनता है ना इस तरह पाकिस्तान का और इंडिया का, तो इसी वजह से जो इनका डिफेंस बजट जो है वो भी ज्यादा है इसी वजह से, क्योंकि बांग्लादेश का किसी साथ अभी तक पंगा नहीं है किसी के साथ भी, तो लेकिन जो पाकिस्तान का है वो इंडिया के साथ पड़ता ही रहता है, अगर इनकी जो डिफेंस बजट नहीं रखेंगे और अपनी पावर नहीं रखेंगे इतनी तो फिर उनका मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसे पता चलेगा कि ये भी स्ट्रॉन्ग आर्मी है इनकी। तो भाई जो है ना काफी चीजों में था वो कि बांग्लादेश जो पाकिस्तान से आ गए हैं, लेकिन जो इनकी है ना कुछ तो पता चला है ना इनके बारे में पाकिस्तान के और किस वजह से पाकिस्तान जो कम है और किस वजह से जो बांग्लादेश ऊपर है, एक्सपोर्ट ज्यादा है यार उनकी, एक्सपोर्ट ज्यादा है यार इंपोर्ट कम है उनकी, इतनी वीडियोस देख रहे हैं कि हम इंडस्ट्रीज की एक्सपोर्ट जो है वो नंबर वन पे है इनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री, वाओ यार ये बात अच्छी है, सक्सेस तो होना ही है ना कंट्री में फिर। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग किस्म की थी वीडियो और ब्यूटीफुल थे गाइस, अगर आपको भी अच्छी लगी वीडियो तो अपनी वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना है, और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए गाइस दीजिए फिर इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।